भारत में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इस क्रम में यातायात के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उदाहरण है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट रनवे का विस्तार कार्य, जो फिलहाल तेजी से चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट हवाई यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एज ऑन टुडे हमारे यहाँ पे वीकली 140 ऑपरेशंस होते हैं, मतलब एवरेज 20-22 फ्लाइट्स ऑपरेशन होते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ होते हैं। और अगर पैसेंजर्स की बात करें तो 60,000 के आसपास पैसेंजर्स अराइवल डिपार्चर होता है उसका। नाइट लैंडिंग का मतलब ऐसा अच्छा, अभी हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं, एक ही एयरलाइंस ने हमें अप्रोच किया था, फ्लाई बिग ने उसके लिए अप्रोच किया था, क्योंकि हमारा काम मर्जी का काम चल रहा है। यहाँ पे काम करने का टाइम केवल रात को ही मिलता है, दिन में हम काम नहीं कर पाते। तो जैसे हमारा जो वॉच अभी है 3:40 तक होता है, उसको डिले करते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता। इसलिए हम ये काम, ये मर्जी का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, रनवे पूरा कमीशन हो जाएगा, उसके बाद नाइट लैंडिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा हमारे वहाँ यहाँ पे हम कैट 1 लाइट भी लगा रहे हैं, जो अप्रोच लाइट होती है, शायद मेरे गुवाहाटी के बाद सेकंड डिब्रूगढ़ स्टेशन है यहाँ पे लगा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और कहीं पे है नहीं है। उसे एक एडिट फैसिलिटी मिल जाएगी नाइट लैंडिंग के लिए उसका। एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाया जा रहा है, लगातार इसकी मार्जिंग और रिकॉर्पोरेटिंग का काम चल रहा है, जो कि नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का एक नया रूप देखने को मिलेगा। एक्चुअली डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का जो रिकॉर्पोरेटिंग काम, मर्जिंग का काम, मर्जिंग मींस हमारे जो एक रनवे, जो पुराना रनवे है, हमने नया रनवे बनाया है, उसको मर्ज करने का काम चल रहा है। और जो सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क्स हम जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद जैसे कमीशनिंग में 2-3 महीने का टाइम लगेगा, दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक हम पूरे इसको कमीशन कर देंगे और इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे इसका ये। उसके अलावा हमारी ATC बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे नई ATC बिल्डिंग बन रही है जो फुली इक्विप्ड है, उसमें सारे CNS ATC के सारा ऑफिस इक्विपमेंट वहीं पर लगेंगे। वो भी काम अभी चल रहा है, सिविल वर्क्स उसे कम्प्लीट हो चुके हैं, फिनिशिंग चल रही है, तो मोस्ट लाइकली अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, उसको भी हम सितंबर तक, उसको अक्टूबर तक उसको कमीशन कर देंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान हवाई सेक्टर को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट प्री कोविड लेवल को पार कर आज के समय में काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। अभी तो हम प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक जो कोविड से पहले था उससे के एक महीने में उससे ज़्यादा चेंज कर चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुका है। एक फरवरी 2021 में 22 में हमारा जो ट्रैफिक था प्री कोविड लेवल से बराबर आ गया था। आज की डेट में हम प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, हमारे ट्रैफिक ज़्यादा है इस वक्त।